वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड आफ्टरनून, आप सब कैसे हैं? आई होप सो सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और बच्चे मेरे आ चुके हैं स्कूल से, बच्चों ने लंच भी कर लिया है। आज मैंने दही को तड़का लगाया था, इजी और बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज़ है ये और बहुत टेस्टी भी लगती है। और इधर गन्नू फ़ोन चला रहा है, गन्नू ने होमवर्क कर लिया है। हाय करो, हाय। इसके दांत गायब हो चुके हैं, दादी का अपने इसके दांत खोखले हो चुके हैं। और मिट्टू इधर होमवर्क कर रही है। मिट्टू हाय करो, हाय, गुड आफ्टरनून। वो अपना पढ़ाई करने में लगी हुई है। और इनका बहुत अच्छा गया, इन रैम कंपटीशन था, पोएम कंपटीशन था, वो बहुत अच्छा गया था इनका। और अच्छा, और क्या हुआ? और जाने कहा कि फर्स्ट क्या चाहिए हमारी, बहुत अच्छा करा। अरे हमें मेडल भी मिल सकता था, पर मेडल नहीं मिला कुछ भी मतलब। तो अगर आपकी क्लास फर्स्ट आई है तो फिर मेडल क्यों नहीं मिला, बताओ। तब वो मेडल था कुछ भी बोलने से मतलब है, बस कुछ भी जो समझ में जो समझ में आ रहा वो बोल दिया बस, कि मेडल इसलिए नहीं मिला था। और अब इनके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं बच्चे। क्या कर रही हैं? इसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। और इतनी तेज़ धूप हो रही है बाहर, बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। गाइस देखो मेरे को दो दो फुट मिले हैं। ओह वाओ आपको अपनी नोटबुक दिखा रही है, कहिए गाइस देखिए मेरे को दो दो गुड मिले हैं। कंप्यूटर में तो इसके सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, सबसे अच्छे मार्क्स इसके कंप्यूटर में ही आए हैं, पूरे मार्क्स आए हैं मतलब। और बाकियों में है थोड़े बहुत कम बढ़ती हैं, पर कंप्यूटर में पूरे मार्क्स लेकर आई है लड़की। वेरी गुड, सब में आने चाहिए बेटा, सब में। कंप्यूटर करना अच्छे से आता है। ओहो मैडम कह रही मुझे कंप्यूटर करना बहुत, कहीं नहीं सकती। पता है क्या हुआ था, मैंने कहा होमवर्क कर ले, ट्यूशन का भी होमवर्क है, स्कूल का भी होमवर्क है। तो मुझे कह रहा कितना होमवर्क करूँ मैं, अब नहीं कर सकता, बस स्कूल में भी करूँ, घर पे भी करूँ, फिर ट्यूशन जाके भी करूँ। मैंने कहा ये तो यार करना पड़ेगा ही, पढ़ना है तो, है ना। इधर आगे हैं गन्नू सेठ जी हमारे। गन्नू बताओ आज स्कूल में क्या किया? इसे इमली, स्कूल में तो अभी ये इसे इमली पे ही अटका हुआ है ट्यूशन वाली मैम ने तो उसको मतलब काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है ये, कहाँ से कबूतर से माँ से मछली तक पहुंच चुका है ना, माँ से मछली मछली सीधा बैठ। गाइस को तेरा चेहरा नहीं दिख रहा है यार कैसे असर है। गन्नू के बाल भी बहुत बड़े हो गए हैं, गन्नू के बाल कटवा के आने हैं और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार, क्योंकि स्कूल के चलते अब संडे आएगा तभी। गाइस मम्मी के मन वन के हो चुके हैं, आप जल्दी से है ना सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें और 2K जरूर करें फटाफट से 2K करिए बच्चे मतलब कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी प्लीज अगर बच्चे ने बोला है तो प्लीज इस चीज को पूरा करें है ना गन्नू, आप भी बोल दो, आप भी बोल दो ये तो यार कुछ अलग ही है। तो गाइस मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, गन्नू को दूध दे दूँ, फिर उसके बाद इसका ट्यूशन का टाइम हो चुका है, 4:30 तो बज ही गए हैं, आधा घंटा रह गया है, तो इसको फटाफट मैं दूध दे देती हूँ, दूध पी लेता है, फिर उसके बाद ट्यूशन जाएगा, फिर मिलती हूँ आपसे। हाय फैमिली, गुड इवनिंग। बच्चे अभी अभी आए हैं ट्यूशन पढ़ के और क्या नाम है, अब खेल रहे हैं बच्चे। मिठू ने आते ही होमवर्क किया, मैम का भी फ़ोन आया था, तो मैम कह रही थी कि इसका EVS का काम काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, जो मतलब रह गया है, क्योंकि अभी इसके हाफ ईयर एग्ज़ाम है, उसके बाद इसके क्या नाम है सारे बुक्स चेंज हो जाएंगी और अब नई बुकें लगेंगी इनकी। तो बच्चे साइकिल चला, वो अपनी साइकिल चला रहा है, वो अपना स्कूटर चला रही है, बच्चे फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल भी लो, नहीं बजा यार, सीटी बजा रहा है वो मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल लो, उसके बाद फिर उसके बाद तो खाना खा के सोना ही है और टाइम हो रहा है 7:30, बस थोड़ा सा बच्चे खेल लें, खेलना भी ज़रूरी है यार, हर वक्त पढ़ते ही थोड़ी रहेंगे। बहुत शोर मचा रखा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा,
और अभी खाना भी बनाना है मुझे, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या। रोज का वैसे खाने का बड़ा गंदा सीन है कि क्या बनाए इंसान और क्या ना बनाए। और अब इसकी नई बुक्स लगेंगी, अब इसको और मज़ा आ रहा है कि नई बुक्स लगने वाली मेरी। ये देखो जरा गन्नू ने क्या करा है, साइकिल चलाते चलाते सीट ही अलग कर दी साइकिल से। ये बच्चों ने बहुत परेशान कर रखा है मुझे, बहुत बहुत बहुत। और मिट्टू अब तो तेरी नई बुक्स आ रही हैं हाफ ईयर एग्जाम के बाद। थर्ड क्लास में आ जाऊंगी। इनके स्कूल में ये रूल है कि लीड्स के बुकें हैं, उसके बाद अभी जैसे अभी हाफ ईयर के एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद इनकी नई बुक्स सारी लग जाएंगी। ये बुक्स का काम नहीं है। जैसे हम लोगों के टाइम पे क्या होता था कि एक ही बुक चलती थी और उसी को हम लोग पढ़ते थे, उसी को ही मतलब पूरा साल उसी को ही पढ़ते थे। और जब नई क्लास में आते थे तब चेंज होती थी, तब हम किसी और को दे देते थे। पर अब का टाइम ऐसा नहीं है, हम बुक्स किसी और को नहीं ले सकते। हमारे पास तो गाइड भी होती थी, उसी में से क्वेश्चन आंसर ढूंढने और याद करने, वो वक्त ही अलग था यार। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ घूमने के लिए, क्योंकि इनके एग्ज़ाम अब दोबारा से वही, पहले थोड़ा सा क्या नाम है तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद अब फिर से इनके उसका लग रहा है यार मुझे बार बार। तो अब इनके दोबारा से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 19 से, तो पूरा टाइम मेरा मतलब पूरा इस महीने का तो पूरा महीना मेरा पैक है, मैं कहीं नहीं जा सकती। बीच में कोशिश करूँगी कि मैं कहीं बाहर जाऊँ और आपको भी बाहर लेके जाऊँ, आपको भी सब कुछ दिखाऊँ। मैं भी चाहती हूँ बाहर जाना घूमना फिरना, अब बच्चों के साथ तो यार बंधी रहती हूँ आपको पता ही है। तो अब घर में ही सब कुछ देखना है, घर में ही आपसे बात करनी है मैंने। इसी चार दीवारी में यही मेरा संसार है, यही मेरा घर है, यही है सब कुछ मेरा। तो इसी में आपको मैं सब कुछ दिखाती रहती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगता होगा मेरी वीडियोस, आपको अच्छी लगती होंगी। ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे एक दूसरे को मार रहे हैं। और इसने सीट कवर अपना निकाल दिया है, पूरा सीट ही निकाल दिया, सीट कवर ने सीट ही निकाल दी है इस लड़के ने पूरी। बच्चे बहुत परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। उसको पॉटी बहुत तेज़ आ रही थी तो वो फटाफट गया कि मेरे को पॉटी आ रही है वॉशरूम में मिट्टू थी, इसलिए फटाफट वो भागा। इसलिए उसकी पॉटी भी उसने फटाफट निकाल दी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब बस फटाफट मेरे को खाना बनाना है, खाना बनाती हूँ और फिर बच्चों को सुलाना है टाइम से। 7:30 हो चुके हैं बच्चों को, मेरे को 8:30 तक लास्ट, उनको 8:30 तक उनको हर हालत में सुलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं फटाफट करती हूँ काम। अभी तो देखो बुक्स वगैरह कैसे फैल रही हैं सारी। मिट्टू को सारा काम कराया है, EVS का उसका सारा काम रह रहा था, बस वही कराया है। अब खाना बनाती हूँ, चलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाय फैमिली, अब मैं करने लगी हूँ डिनर। और आज डिनर कुना लेकर आए हम बाहर से, मैंने आज खाना नहीं बनाया। कुना लेकर आए हैं चाप, मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे खा रहे हैं। गनू कैसी लग रही तेरे को चाप? ओए बहुत अच्छी है बेटे कुनाल। और बस अब खाना खा रहे हैं, खाना खा के मिलती हूँ आपसे कल अब नए ब्लॉग के साथ। मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय।